खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से तवारीख की दूसरी किताब उसका 36वां बाब। और मुल्क के लोगों ने योशिय्याह के बेटे यहोआखिस को उसके बाप की जगह यरूशलेम में बादशाह बनाया। और यहोआखिस 23 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। उसने 3 महीने यरूशलेम में सल्तनत की और शाह मिस्र ने उसे यरूशलेम में तख्त से उतार दिया और मुल्क पर 100 कंतार चांदी और 1 कंतार सोना जुर्माना किया। और शाह मिस्र ने उसके भाई अलियाकीम को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयकीम रखा। और निकवा उसके भाई यहोआखिस को पकड़कर मिस्र को ले गया। और यहोयकीम 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नज़र में बुरा था। उस पर शाह बाबुल नबूकदनज़र ने चढ़ाई की और उसे बाबुल ले जाने के लिए उसके बेड़ियां डाली। और नबूकदनज़र खुदावंद के घर के कुछ ज़रूफ भी बाबल को ले गया और उनको बाबल में अपने मंदिर में रखा। और यहोयकीम के बाकी काम और उसके नफरत अंगेज अमाल और जो कुछ उसमें पाया गया वो इसराइल और यहूदा के बादशाहों की किताब में कलम बंद हैं। और उसका बेटा यहोयकीन उसकी जगह बादशाह हुआ। यहोयकीन 8 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 3 महीने 10 दिन यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद की नज़र में बुरा था। और नए साल के शुरू होते ही नबूकदनज़र बादशाह ने उसे खुदावंद के घर के नफीस बर्तनों के साथ बाबुल को बुलवा लिया और उसके भाई सिदकिया को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया। सिदकिया 21 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नज़र में बुरा था। और उसने यर्मिया नबी के हजूर जिसने खुदावंद के मुंह की बातें उससे कहीं आजिज़ी ना की। और उसने नबूकदनज़र बादशाह से भी जिसने उसे खुदा की कसम खिलाई थी बगावत की, बल्कि वो गर्दन कश हो गया और उसने अपना दिल ऐसा सख्त कर लिया कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ रुजू न लाया। इसके सिवा काहिनों के सब सरदारों और लोगों ने और कौमों के सब नफरती कामों के मुताबिक बड़ी बदकारियां की और उन्होंने खुदावंद के घर को जिसे उसने यरूशलेम में मुकद्दस ठहराया था नापाक किया। और खुदावंद उनके बाप दादा के खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास बरवक्त भेज भेज कर पैगाम भेजा क्योंकि उसे अपने लोगों और अपने मस्कन पर तरस आता था। लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को ठठों में उड़ाया और उसकी बातों को नाचीज जाना और उसके नबियों की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि खुदावंद का गज़ब अपने लोगों पर ऐसा भड़का कि कोई चारा न रहा। चुनाचे वो कस्तियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया जिसने उनके मक्दिस के घर में उनके जवानों को तलवार से कत्ल किया। और उसने क्या जवान मर्द, क्या कंवारी, क्या बुड्ढा, क्या उम्र रसीदा किसी पर तरस न खाया। उसने सबको उसके हाथ में दे दिया और खुदा के घर के सब ज़रूफ, क्या बड़े क्या छोटे, और खुदावंद के घर के ख़जाने और बादशाह और उसके सरदारों के ख़जाने, ये सब वो बाबल को ले गया। और उन्होंने खुदा के घर को जला दिया और यरूशलेम की फसील ढा दी और उसके तमाम महल आग से जला दिए और उसके सब कीमती ज़रूफ़ को बर्बाद किया। और जो तलवार से बचे वो उनको बाबल को ले गया और वहाँ वो उसके और उसके बेटों के ग़ुलाम रहे जब तक फारस की सल्तनत शुरू ना हुई, ताकि खुदावंद का वो कलाम जो यर्मिया की ज़बानी आया था पूरा हो कि मुल्क अपने सब्तों का आराम पा ले, क्योंकि जब तक वो सुनसान पड़ा रहा तब तक यानी 70 बरस तक उसे सबत का आराम मिला। और शाह फारस खोरस की सल्तनत के पहले साल, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यर्मिया की ज़बानी आया था पूरा हो, खुदावंद ने शाह फारस खोरस का दिल उभारा, सो उसने अपनी सारी ममलिकत में मनादी करवाई और इस मजमून का फरमान भी लिखा कि शाह फारस खोरस यूँ फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने ज़मीन की सब ममलिकतें मुझे बख्शी हैं और उसने मुझको ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊँ। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो, खुदावंद उसका खुदा उसके साथ हो और वो रवाना हो जाए। आमीन।